हम तीन बहन भाई थे, मेरा एक भाई था, एक बहन थी, दोनों की वफ़ात हो गई है। तो बड़ी पुरान ज़िंदगी थी, चूँकि छोटे शहर थे तो बड़ी पुरान ज़िंदगी थी, किसी किस्म के झगड़े फसाद वो नहीं हुआ कर। पठानों का सिलसिला ये रहा है कि वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, तो पठानों का ने अपनी छोटी छोटी रियासतें भी कायम कर ली थी। तो ये पश्तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई, क्योंकि उनके इर्द गिर्द का जो कल्चर था, दिल्ली और लखनऊ का कल्चर जो था वो उर्दू ज़बान का था। पठानों ने फिर दूसरे जो ज़ात के लोग थे उनमें भी शादियाँ की, जैसे सैयदों में भी की, शेखों में भी की। तो इस तरह से शादियों के नतीजे के अंदर भी ज़बान जो है वो तब्दील हो गई। डॉक्टर साहब, आप नस्लन तो पठान हैं? नस्लन पठान है, और हमारा जो यानी अगर रिश्ता निकालते हैं हम आबाई तो वो पिशीन से निकलता है। अच्छा। पिशीन में तरीन पठान थे, तो ये कोई शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान में आए, और चूँकि पठानों का एक ही काम था, ये किराए के फ़ौजी होते थे। तो फ़ौजों में जहाँ भी मुलाजमत मिल जाती थी ये फ़ौज में मुलाजिम होकर लड़ा करते थे। इनके लिए कोई यानी नज़रिया नहीं था कि किस लिए लड़ना है, जहाँ भी पैसे मिल जाते थे लड़ते थे। फिर बाद में संभल में ये रोहेलखंड का पूरा इलाका जो था ये पठानों का हो गया था। तो रोहेलखंड में संभल के अंदर एक सराय तरीन अभी भी है। तो बाद में फिर हमारे ख़ानदान के लोग वहाँ थे, मेरे परदादा तक का मुझे मालूम है कि वो सराय तरीन में रहते थे। फिर मेरे दादा वहाँ से निकल आए और वो जयपुर की रियासत में, जब ये फ़ौज में ना रहे तो फिर ये पुलिस में चले जाते थे, तो वहाँ वो पुलिस में रहे और वहाँ से रिटायर होके फिर वो टोंक के अंदर आए। तो मेरे वालिद वग़ैरह ये टोंक के अंदर थे, और वहाँ से फिर हम लोग जो है हैदराबाद से ना आए। तो एक मरतबा जब आदमी हिजरत कर जाता है तो हिजरत का ये सिलसिला मेरा ख़्याल से ख़त्म नहीं होता है, जारी रहता है। ये ग़ालिबन इंसान के साथ साथ जुड़ा हुआ है हिजरत का जो। हाँ, बस रोज़गार की तलाश में इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और इंसान में यह है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ के हालात के मुताबिक अपने आप को आदी भी बना लेता है। अब जैसे मेरी दो बेटियाँ हैं, वो दोनों की दोनों अमेरिका चली गईं। अब वो वहाँ की आबाद हो गई, वहाँ की आदत इख्तियार कर ली। तो ये एक हिजरत जो है ये अजियतनाक चीज़ भी है, लेकिन पहले के ज़माने में इतनी हिजरत नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर साहब, बेटियों के बगैर बड़ा आपका दिल उदास नहीं होता? नहीं, हो जाता है, लेकिन आदमी को आदी होना पड़ता है फिर कि भाई जो जा रहा हो खुश रहो, तो इसके अलावा कोई सूरत नहीं ना, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब, आप खुद कितने बहन भाई थे? हम तीन बहन भाई थे, मेरा एक भाई था, एक बहन थी, दोनों की वफ़ात हो गई है। अच्छा, दोनों बड़े थे आप? मैं ही सबसे बड़ा था। अच्छा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो अब ख़ानदान में मैं अकेला ही रह गया हूँ। आपको सलामत रखे। तो डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि राजस्थान में आप वहाँ कोई और ज़ुबान थी कि वहाँ भी उर्दू ही बोलते थे? नहीं, देखिए राजस्थान में शहर छोटा था और ये पठान वहाँ ज़्यादातर आबाद हुए थे, क्योंकि राजस्थान का पहले नवाब थे अमीर खान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से सुलह कर ली थी, वरना वो उनसे लड़ते रहे थे। तो उन्होंने ये रियासत एक कार्व करके उनको दी थी। तो कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में था और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में था। तो टोंक छोटा सा शहर था, तो वहाँ तो उर्दू बोली जाती थी, लेकिन गांव देहातों के अंदर राजस्थानी बोली जाती थी। और गांव देहातों में ज़्यादातर अक्सरियत जो थी वो राजपूतों की थी। तो एक तरह से पठानों में और राजपूतों में एक इफ़हाम व तफ़हीम हो गया था, क्योंकि राजपूत भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी बड़े यानी जंगजू भी एक तरफ है, जहाँ वहाँ खुले दिल के भी लोग हैं। वो दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती को निभाते भी हैं। तो पठानों में और उनके अंदर एक तरह से ये दोस्ती हो गई थी, इसलिए वहाँ कभी कोई फसादात नहीं हुए, यानी आखिर वक्त तक वहाँ कोई फसादात नहीं थे किसी भी किस्म के। और हमारे भी जैसे वालदेन के हमारे राजपूतों से दोस्तियाँ थीं, गांव देहातों में हम जाते थे, वहाँ लोगों से मिलना जुलना हमारा मतलब के होता था। तो बड़ी पुरान ज़िंदगी थी, चूँकि छोटे शहर थे तो बड़ी पुरान ज़िंदगी थी, किसी किस्म के झगड़े फसाद वो नहीं हुआ करते। तो डॉक्टर साहब उर्दू की तरफ कब आए? ज़ाहिर है वो आपके बड़ों की ज़ुबान तो पश्तो होगी। हाँ, मेरे ख्याल से ये मेरे परदादा तक जो हैं वो पश्तो बोलते रहे हैं। ये उर्दू की तरफ मेरा ख्याल से हमारे दादा के साथ या परदादा के साथ भी उर्दू की तरफ आए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि हमने जब हिजरत की तो पठानों की आबादी भी ज़रा उर्दू बोलने वाली हो गई थी। पश्तो बोली जाती थी लेकिन फिर पश्तो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई और उर्दू बढ़ती चली गई, तो वो पश्तो एक लिहाज से ख़त्म ही हो गई है। ग़ालिबन जो जहाँ जो कल्चर होता है आपके इर्द गिर्द, आप अपनी जो आपकी आबाई ज़ुबान है वो डोमिनेट वहाँ का कल्चर करता है। बिल्कुल, वो ज़ुबान हो या आपका और कोई रहन सहन, उस पर जो मकामी कल्चर है उसके असरात ज़रूर होते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनके असरात वहाँ मकामी तौर पर असरअंदाज होते हैं। हाँ, वो हो जाता है। पठानों के साथ देखें ना, पठानों का सिलसिला ये रहा है कि वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। मसलन हिंदुस्तान के अंदर पूरे रोहिलखंड में, अच्छा ये जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थीं, इन रियासतों के जो नवाब थे वो पठान थे। मसलन रामपुर के नवाब वो पठान थे, इसी तरह से भोपाल के लोग वो भी पठान थे, जाफरे के भी पठान थे, टोक के भी पठान थे, और हाफिज़ रहमत खान जो थे जो रोहिलखंड में थे वो भी पठान थे। तो पठानों का ने अपनी छोटी छोटी रियासतें भी कायम कर ली थी। तो ये पश्तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई, क्योंकि उनके इर्द गिर्द का जो कल्चर था, दिल्ली और लखनऊ का कल्चर जो था वो उर्दू ज़बान का था, तो उर्दू ज़बान जो है वो आ गई। लेकिन जैसे रामपुर में मोहब्बत खां का ताल्लुक़ जो था वो नवाबी ख़ानदान से था, उन्होंने पश्तो में भी शायरी की है और उर्दू में भी शायरी की है, दोनों ज़बानों में भी की है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यही होता है जैसा आपने कहा कि जिस ज़बान की ज़रूरत होती है, घर में पश्तो बोली जाती रही, बाहर उर्दू, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी उर्दू अंदर भी, और फिर आपस में मेल मिलाप भी होता रहता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं हुआ कि पठान पठानों में शादियां करें, पठानों ने फिर दूसरे जो ज़ात के लोग थे उनमें भी शादियाँ की, जैसे सैयदों में भी की, शेखों में भी की। तो इस तरह से शादियों के नतीजे के अंदर भी ज़बान जो है वो तब्दील हो गई। आपकी डॉक्टर साहब शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है 74 में। तो ये भाभी ख़ानदान से थी? हाँ, ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर आप ज़ात का हिसाब पूछें तो इनकी वालदा पठान थी, लेकिन इनके वालिद जो थे वो सैयद थे। तो इन मेरी वाइफ जो है ये सैयदा है, उस लिहाज से फिर तो आप बख्शे बख्शाए। बिल्कुल सही।